हाँ तो बच्चों, आपकी क्लास आज यहीं खत्म होती है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर मेरे थर्ड चैप्टर में 3 डाउट्स हैं, वो क्लियर करा देते हैं। अबे हीरो, तेरे कभी कोई डाउट्स नहीं होते क्या? कभी तो पढ़ाई को सीरियस ले लिया कर। सर 2 3 दिन में आपसे मैच लगा है, पढ़ाई का क्या? वो तो होती रहेगी, मैं जा रहा हूँ खेलने। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे क्या डाउट्स थे। बच्चों 4 दिन रह गए तुम्हारे एग्जाम में। इन 4 दिनों में जमकर मेहनत करना, ये 4 दिन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। मेक श्योर 90% तो ले ही आना। हाँ घंटे, आजा भाई, कंचे खेलेंगे। मैं कंचे कंचे ना खेलूँ यार। भाई आज पेप्सी के साथ साथ कुरकुरे की भी चढ़ता है। अच्छा कुरकुरे भी हैं, चल बता मार। हाँ तो बेटे 4 दिन रह गए तेरे एग्जाम के, थोड़ी खेल कूद कम कर दे, वरना कैसे पास हो पाएगा ना एग्जाम में? वो कैसे लगेगी तेरी? सर इतने टेंशन मत लिया करो, जॉब का क्या, वो अपने आप लगवा देगा। और वैसे भी पास तो हो ही रहा हूँ, फिर थोड़ी हो रहा हूँ। बेटा तुम इसे छोड़ो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। अरे सर मुंह मीठा करो। अरे बेटे किस खुशी में? जॉब लगी मेरी। अरे वाह बेटे, अरे बेटे उम्मीद तो नहीं थी। इतना फूफा का जुगाड़ है, क्या कुछ पैकेज मिल रहा है? अभी सर 40 हजार है, एक बार इलेक्शन जीत जाए अपनी सरकार आ जाए सीधा 2 लाख। कैसे बैठा है, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा थक गया था इसलिए बैठ गया था। और रोहित कैसी जॉब चल रही तुम्हारी? अरे कहाँ सब जॉब का लग रही है, आज 20वां इंटरव्यू दे के आया हूँ। कहीं रिश्वत मांगते हैं, कहीं अप्रोच मांगते हैं, और जो जॉब मिल रही है 8-9 हजार में, उससे तो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा भी नहीं निकलता। जब भी मेरी जॉब लगी सबसे पहले मिठाई मैं आपको आके खिलाऊंगा। Yes, sir. Last week you came for an interview. Yes, sir. Yes, we have selected you on a package of 24 lakhs per annum Indian national rupee. Thank you, sir. Okay. मुंह मीठा करो सर, जॉब लग गई मेरी। अरे वाह बेटे, कौन सी कंपनी में? यूएसए की है सर, जिस काम के मेरे को 8 हजार मिल रहे हैं वो लोग मेरे को 2 लाख दे रहे हैं। 2 हफ्ते बाद की ज्वाइनिंग है सर मेरी, यूएसए जा रहा हूँ मैं। तू पैसे के लिए अपना देश छोड़ देगा? अपना देश कौन छोड़ना चाहता है, जैसे अपने देश की टैलेंट में कदर नहीं है बिल्कुल भी। आपने सब देखा होगा दूसरे देशों में जो बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट लगे हैं वो सही किया के लिए हैं। अगर सर उन्हें यहाँ इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो क्या वो सर बाहर जाते? नहीं सर। चलो छोड़ो सर इस बात को, आज नहीं तो कल ये सिस्टम कभी तो सुधरेगा।